टैक्सेस फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं जो कि इम्पोज किए जाते हैं ऑन द टैक्स पेयर्स, जैसे कि इंडिविजुअल या फिर लीगल एंटिटी। टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं बाय द स्टेट या फिर और कोई बॉडी गवर्न्ड बाय द स्टेट, ताकि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को फंड कर सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सर्विस टैक्स, जो कि ऐसा ही एक टैक्स है। उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, और लीगल रास्ता आपको इसमें कैसे हेल्प कर सकता है। जब भी हम कोई सर्विस यूज करते हैं, जैसे कि फोन के बिल की पेमेंट या फिर ईटिंग एट अ रेस्टोरेंट ज्वाइन, तो हमें एक्चुअल अमाउंट से थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। वो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट इज एक्चुअली द सर्विस टैक्स। ये एक ऐसा टैक्स होता है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है फॉर एंजॉइंग द सर्विसेज। एक्चुअली सर्विस प्रोवाइडर ये टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को या फिर उनकी कोई भी ऑथराइज बॉडी को। तो उस वजह से जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कस्टमर से जब सर्विस दे रहा हो उन्हें, उसी टाइम पे वो सर्विस टैक्स कलेक्ट कर लेता है। एट प्रेजेंट करंट रेट जो सर्विस टैक्स की है इन इंडिया इज 12.36% ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड। सर्विस टैक्स रजिस्टर कराने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपकी कोई प्रोप्राइटर फर्म है या फिर पार्टनरशिप है या फिर आप डायरेक्टर हैं, तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो है कॉपी ऑफ द पैन कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड या फिर वोटर आइडेंटिटी कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो ऑथराइजेशन लेटर और पार्टनरशिप डीड की फोटोकॉपी, और अगर आपकी कंपनी है तो बाकी के डायरेक्टर से कंपनी के लेटर हेड पे ऑथराइजेशन लेटर और बोर्ड रेजोल्यूशन। अगर आपकी एंटिटी है तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो है पैन कार्ड की कॉपी। अगर आपकी प्रॉपर्टी ओन्ड है यानी आपके नाम पर है तो प्रॉपर्टी पेपर की कॉपी, अगर प्रॉपर्टी किराए पर है तो रेंट अग्रीमेंट की कॉपी, और उसके अलावा बिजली का बिल या पानी का बिल एंटिटी का, और कैंसिल चेक और बैंक स्टेटमेंट। अगर आप इंडिविजुअल है या फिर प्रोप्राइटरशिप में है या पार्टनरशिप में है या फिर एलएलपी है, तो आपको सर्विस टैक्स पे करना होगा क्वार्टरली बेसिस पर, यानी कि साल में 4 बार, और उसकी ड्यू डेट होगी जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है उसके अगले महीने की 5वीं तारीख को, और अगर क्वार्टर खत्म हो रहा है 31st of March को तो ड्यू डेट होगी 31st of March। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन है जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको मंथली बेसिस पर सर्विस टैक्स पे करना होगा और ड्यू डेट होगी महीने की 5वीं तारीख। सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन लीगल रास्ता के थ्रू करवाने के लिए आपको बस इतना करना है कि आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, जो है www.legalrasta.com। वहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन का, एक सिंपल सा ऑनलाइन फॉर्म भरिए, उसके बाद आपको एक ईमेल मिलेगा जिसमें हम आगे के फ्यू स्टेप्स और डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स बताएंगे। वो डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करिए और आपका काम वहीं खत्म होता है। उसके आगे का काम हम करेंगे, हम फिर आपकी फाइल प्रिपेयर करके सर्विस टैक्स अथॉरिटी में फाइल करेंगे। उसके बाद जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करना हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं 875-000-8585। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू।